प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि विदित है, संपूर्ण मानव जाति एक अभूतपूर्व संकट का सामना कर रही है और यह संकट कुछ दिन, कुछ सप्ताह व कुछ महीनों का हो सकता है। हम सभी इससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकते। हमें सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए एक नए सामंजस्य को स्थापित करना होगा। आइसोलेशन की प्रक्रिया को पीड़ादायक न मानते हुए सेल्फ स्टडी को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस क्वारंटीन जैसी प्रक्रिया में नए विचारों को जानने, मूलभूत किताबों को पढ़ने का प्रयास कर और उस जानकारी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साझा कर सुझाव मांगे जा सकते हैं। एक अभूतपूर्व परिस्थिति का देश सामना कर रहा है, लेकिन हम इसे एक चुनौती, एक अवसर के रूप में भी ले सकते हैं। प्रिय छात्राओं और छात्र, आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह भी एक परीक्षा का ही भाग है और हमें सम्मान सहित उत्तीर्ण होना है। गर्व हो हौसला तो कोई रास्ता निकलता है। देर के दहलीज पर हवा से लड़कर भी चराग जलता है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत प्रथम विश्व युद्ध के रूप में देखी जा सकती है। इसी के साथ लेजिस फेयर व्यवस्था, जो एक फ्रेंच मुहावरा है, जिसका अगर हिंदी और अंग्रेजी में हम तर्जुमा करें तो कुछ इस तरीके से आता है कि हमें अकेला छोड़ दें, या अंग्रेजी में कहें लीव अस एलोन। बिना किसी हस्तक्षेप के एक ऐसी व्यवस्था जो बाजार द्वारा निर्धारित होती है, जिसकी समानता एडम स्मिथ की पुस्तक में वर्णित इनविजिबल हैंड या अदृश्य हाथ से की जा सकती है। इसी दौरान जब यूरोप और अधिकतर देश प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक स्थिरता प्राप्त करने के लिए प्रयासरत थे, 1929 में अमेरिका के वॉल स्ट्रीट संकट ने अचानक राज्य और व्यक्ति के मध्य आर्थिक संबंधों को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया। इस समय के आर्थिक चिंतक जॉन मेनार्ड केन्स ने दो पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक 1926 में द एंड ऑफ लेसेस फेयर के नाम से लिखी गई। दूसरी पुस्तक, जिसका प्रचलित नाम भले ही जनरल थ्योरी हो, जबकि पूरा नाम इसका द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी था। इन दोनों ही पुस्तकों ने इस सार को बताया कि किस प्रकार आर्थिक चरों का व्यवहार, निवेश, ब्याज की दरों और बचत आदि का व्यस्त स्तर यानी माइक्रो लेवल पर और समष्टि स्तर पर, इन दोनों ही स्तर पर व्यवहार जो होता है वो अलहदा होता है, बिल्कुल अलग अलग होता है। ऐसा हो सकता है कि जो चीज़ें व्यस्त स्तर पर दिख रही हों वो समष्टि स्तर पर उससे अलग दिखें। जल्दी ही इस बात की पुष्टि भी हो गई जब एडम स्मिथ स्कूल की मुख्य विचारधारा पूर्ण रोजगार के विपरीत समस्त यूरोप में लाखों मजदूर बेकार बैठ गए और अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी चरम स्थिति पर पहुंच गई। पण यानी मुद्रा, पण यानी वस्तु ने अपना मूल्य लगभग खो दिया। कीन्स अपनी पुस्तक में राज्य के हस्तक्षेप को व्यक्ति और राज्य के संबंध के समाधान के रूप में लेकर आए, जो बाजार व्यवस्था के सर्वथा विपरीत है। और जब बाजार व्यवस्था असफल होती है तो राज्य के हस्तक्षेप की बात बार बार दोहराई जाती है, जिसे आसान शब्दों में हम राजकोषीय नीति पर बल देना कह सकते हैं। कुछ विद्यार्थियों ने कुछ प्रश्न, कुछ जिज्ञासाएं प्रकट की हैं, तो मैं उनको भी जरा सा एड्रेस करना चाहूँगा। एक विद्यार्थी ने अपनी जिज्ञासा लिखी है कि जो यूपीएससी की जो करंट अफेयर्स हैं उस पर सर रोशनी डालें। तो देखिए, मेरा ये कहना है कि जो भी मैं सिद्धांत आपको पढ़ा रहा हूँ, पिछले लेक्चर्स में जो हमने इनविजिबल हैंड की बात की, तो उसका पूरा पूरा जो आप देखें कि इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 में पूरा पूरा उस पर लेख लिखा हुआ है। तो मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि जो यूपीएससी के पेपर 2 और 3 हैं उसके लिए आपको जो भी जानकारी दी है उसको जोड़ के मैं बताने का प्रयास करूंगा। दूसरा सवाल एक है कि
मांग और आपूर्ति के संबंधों की बात। मांग और आपूर्ति, या जिसको कहें कि मांग का नियम, अर्थशास्त्र का सबसे बुनियादी नियम है। बाजार में दो शक्तियां होती हैं, एक मांग और एक आपूर्ति, या जिसको आप वस्तु की मात्रा भी कह सकते हैं। कैंची के दो फलक की तरह मांग और आपूर्ति, जिसको जिसके मध्य अंतर संबंध इंटरैक्शंस कीमत को निर्धारित करते हैं। आप देखें कि एक तरफ मांग करने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है, दूसरी तरफ वस्तु की आपूर्ति करने वाले लोगों की लाइन लगी हुई है। जो वस्तु की मांग कर रहे हैं वो उपभोक्ता हैं, जो वस्तु की आपूर्ति कर रहे हैं वो उत्पादक हैं। इन दोनों के बीच कीमत इस आधार पर तय होगी कि अगर मांग करने वाली लाइन ज्यादा है तो उत्पादक उसकी कीमत बढ़ा सकता है, और इसका उल्टा भी, बिल्कुल वाइस वर्सा भी इसी के रिस्पेक्ट में आप समझ सकते हैं। तो इस बुनियादी नियम में ये बताया जाता है कि मांग और कीमत में विपरीत संबंध पाया जाता है, जो कि एक गुणात्मक कथन, इट्स अ क्वालिटेटिव स्टेटमेंट, इट्स नॉट अ क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट। तो इस गुणात्मक कथन का ये है कि सामान्यतः कीमत और मात्रा में विपरीत संबंध पाया जाता है, लेकिन इसके तमाम सारे अपवाद आपको देखने को मिलते हैं, और वो एक महज सामान्य नियम है। आप विलासिता की वस्तुओं में देखेंगे तो वस्तु की मात्रा बढ़ती है, वो वस्तु की कीमत बढ़ती है और उसकी मात्रा भी बढ़ती है। आप देखेंगे कि जो इन्फीरियर गुड्स होती हैं उनके साथ भी ये नियम लागू नहीं होता, विशेष समय में ही इस नियम के अपवाद निकल के आते हैं। किसी विशेष वस्तु के हैबिचुअल होने पर उपभोक्ता द्वारा ये मान्यताएं बदल जाती हैं। कुल मिला के आप ये देखें कि अर्थशास्त्र में जो मांग का नियम है वो वास्तव में उपयोगिता नियम का आधारभूत सिद्धांत है। आप देखते हैं कि एक विरोधाभास देखने को मिलता है कि हीरा और पानी, हीरा मूल्यवान है, उसकी कीमत बहुत अधिक होती है, पानी जीवन के लिए आवश्यक है, उसकी कोई कीमत नहीं, यानी उसकी तुलना में बहुत कम कीमत है। जबकि हीरा जीवन के लिए ऐसा नहीं है कि कोई आवश्यक चीज है। उसका जो अंतर है कि जैसे जैसे आप पानी की एडिशनल यूनिट्स गेन करते हैं, तो आपकी आपकी जो रुचि है, आपकी जो उससे मिलने वाली जो उपयोगिता है वो घटती जाती है, तो इसलिए पानी की कीमत कम है। हीरे के साथ, चूंकि हीरा बहुत रेयर है, बहुत स्केयर्स है, आसानी से उपलब्ध नहीं है, उसके स्टॉक लिमिटेड हैं, इसकी वजह से जैसे जैसे उसकी यूनिट बढ़ती, मात्रा बढ़ती है, उससे मिलने वाली उपयोगिता में कमी नहीं आती, नतीजा उसकी कीमत अधिक होती है।